बहुत से बच्चों ने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। आ हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने मेहनत तो बहुत करी पर किसी ना किसी वजह से उनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था, और आफ्टर द एग्ज़ाम अब वो काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे हैं और काफ़ी लो फील कर रहे हैं। मैं बस आप सभी बच्चों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, कोई फालतू बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और वो ये कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम आप देकर आ चुके हैं, और अभी आपके आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स पड़े हुए हैं। कुछ ही दिनों में आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम है और फिर और नए एग्ज़ाम्स आएंगे। मैं ये बोलता हूँ आपसे कि जो चीज़ चली गई, जो चीज़ हो गई, अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे तो सिवाय डिप्रेशन के और लो फील करने के कुछ नहीं होगा। क्या कोई फायदा हो सकता है? क्या जो एग्जाम चला गया क्या आप उसको सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। सिर्फ और सिर्फ आप अपना एक लंबा समय वेस्ट करेंगे। हो सकता है आप 3 या 4 दिन बहुत ज्यादा परेशान रहे, उसके बाद धीरे धीरे आप ठीक हो जाएं, लेकिन आप सोचिए क्या वो 3-4 दिन आपके वेस्ट हो गए? क्या आप उन 3-4 दिन में आने वाला जो एग्जाम है क्या उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? बस बेटा ये सोचिए, जो चला गया उसको भूल जाइए। हाँ आपने मेहनत करी, हाँ आपने बहुत दिल लगाकर तैयारी करी, लेकिन किसी ना किसी वजह से ऐसा हो गया कि आपका वो एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया जितना आपने सोचा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, और ऊपर वाले ने चाहा तो ये एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मान लीजिए आपका आने वाला एग्जाम है, उसमें 10 या 15 दिन आपके बचे हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि ये वो टाइम है जिस टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, PYQs लगाइए, फॉर्मूलो को रिवाइज कीजिए और अपने नोट्स को सिर्फ पलट के दीजिए। देखिए हो सकता है कि अब जब आप रिवाइज कर रहे हो तो कोई चीज आपके सामने ऐसी आ रही हो जिसको देखकर आपको लगता हो कि यार ये तो मैं भूल गया हूं, ये मुझे नहीं ध्यान आ रहा। बिल्कुल परेशान मत होइए, भूल जाइए उसको, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे बच्चे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप सभी बच्चों से यही कहता हूं मेरे दोस्त कि आप ये सोचो कम से कम आप वो हो जो लड़ रहे हो, आप वो जो हो जो आगे बढ़ रहे हो। आप उनका सोचिए कि जो इस बारे में सोचते ही नहीं है, जो ये सोचते नहीं कि मैं गेट का एग्जाम दूं, जो सोचते नहीं मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दूं, जो आगे पढ़ाई करने के बारे में, कंटिन्यू करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। आप उनसे काफी अलग हैं, आप लड़ रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं बच्चों कि भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, जरा सा भी परेशान नहीं हुए। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत अच्छी बात है, वो ये कि आप सभी ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं, आप सभी गॉड अल्लाह भगवान मानते हैं उनको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय निकालिए, और थोड़ा सा समय दिन का, और उस ऊपर वाले से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, नेक रहिए, ईमानदार रहिए, अपनी मेहनत कीजिए। और दूसरी चीज ये कि अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप, उनका दिल नहीं दुखाइए। कोई ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे उनको बुरा लगे, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी हरकत ना कीजिए जिससे वो उदास और परेशान हो। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि अगर आपने इस धरती पर 2 लोगों को खुश कर दिया तो आपने भगवान को खुश कर दिया, वो हैं आपके माँ और आपके बाप। तो प्लीज मेरे बच्चे भूल जाइए सारी चीजें, जो हो गया उसको जाने दीजिए, सिवाय टाइम वेस्ट करने के कुछ भी नहीं होगा। आगे की ओर बढ़िए, जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी चीजें आपका इंतजार कर रही है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी चीजें आपका इंतजार कीजिए कर रही है। मेहनत कीजिए, सिर्फ मेहनत कीजिए और कुछ भी नहीं। मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर कोई आपसे ये कहता है कि मैंने मेहनत करी और रिजल्ट नहीं मिला, नहीं बेटा, मैं इस चीज को बिल्कुल नकारता हूं, मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मान सकता। आप मेहनत करेंगे, हो सकता है उस चीज में आपको उसका रिजल्ट ना मिले, लेकिन आगे कहीं ना कहीं उस मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। किसी स्टूडेंट ने तैयारी करी, गेट एग्जाम की तैयारी करी, बहुत मेहनत कर पढ़ा, उसका टारगेट ही गेट था, नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसने सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिए थे, उसने काफी मेहनत करी थी, और कुछ ही टाइम बाद उसने देखा कि एक नया एग्जाम आ गया। सपोज करिए SSC JEE आ गया, हो सकता है, या इंजीनियरिंग सर्विसेज उसने एग्जाम दिया,
और वहां पर उसकी वो मेहनत रंग लाई। तो आपने मेहनत गेट एग्जाम के लिए करी थी, आपने टारगेट कुछ और करा था, आपने सोचा था ये होगा, लेकिन उस ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और सोचा था, वो कुछ और देख रहा था। तो मेरे बच्चे, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, मायूस और उदास बिल्कुल भी ना हो। मैं बस इतना कहूंगा, विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम, थ्रू आउट योर लाइफ, फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ लक।